नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ हिसार कोर्ट परिसर में। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो विजेता वकील हैं उनके साथ में जो है इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ ट्रेजरर पद के जो एडवोकेट खटाना जी हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके न्यूज़ चैनल का और आपके दर्शकों का सर। ओके, तो खटाना साहब सबसे पहले ये बताओ, क्या क्या आपने मुद्दे लेके आप चले हैं वकीलों से जब आपने मांगे वोट, और उनको कैसे पूरा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यही था कि हमारा जो हमारे न्यू एडवोकेट्स हैं, मैं भी न्यू एडवोकेट्स हूँ और न्यू जनरेशन के हैं मान लो, तो जो मेरे साथी हैं और जो मेरे नए वकील साथी हैं उनकी कई मांगे, कई प्रकार की चीज़ें रह जाती हैं जो कोर्ट में खड़े होते हैं। कई बार उनकी मान सम्मान की बात हो जाती है, तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैं आगे चल रहा था। और फिर मैं काफ़ी वकील साथियों से ये बात हुई थी कि भाई वहाँ पे हमारी कोर्ट में इतनी सुनवाई नहीं होती, हमारे सुनते नहीं हमारी इतनी, उन्हीं चीज़ों को लेके कि मैंने उनके मान सम्मान को सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी कि भाई आपका मान सम्मान आपको प्रत्येक एडवोकेट को, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, महिला हो, जो भी हो, उन सभी एडवोकेट्स के मान सम्मान उनको हमेशा दिया जाएगा। जो नए वकील हैं उनको ऐसी बात निकल के आई है कि उनको मतलब जो कोर्ट का स्टाफ है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, किस तरह इसका सोल्यूशन करवाएंगे? हाँ, ये अक्सर होता है, कई दफ़ा हैं ये चीज़ें कि सीनियर एडवोकेट्स हैं, थोड़ा सा उनको जानते हैं लोग, पहचानते हैं लोग, तो उनका मान सम्मान थोड़ा रहता है, हम भी करते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन न्यू एडवोकेट्स होते हैं भाई, उनको जानते नहीं है, पता नहीं ये जूनियर है, किसका है, कैसा है, तो थोड़ा सा स्टाफ भी थोड़ा सा उनसे मिसबिहेव भी करता है। ओके, तो लेकिन एडवोकेट्स है हमारे, एडवोकेट्स के अंदर कोई छोटा या बड़ा, एडवोकेट्स एडवोकेट्स ही है जी, वही लाके डिग्री हमने की है, वही लाके डिग्री हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी की है। तो अब यहाँ इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं तो वो सभी एडवोकेट्स हैं। बिल्कुल, तो उनका मान सम्मान और डिग्निटी बनाए रखना बार की ये हमारी परम जिम्मेदारी है जी। ओके, एज ए ट्रेजरर आपके क्या क्या अभी फिलहाल राइट्स हैं और कैसे उनको उनका निर्वहन करेंगे? ऐसा है जी, खजांची पद जो है उसमें पैसों का लेन देन का मामला है कि भाई जैसे कितने पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, फ़ंड कौन से आए हैं, उन फंडों को लेके ये सारी चीज़ें होती है, उस पर देख रेख करना, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में या फिर कहीं लगाना, तो उन पैसों को देख रेख के लिए जी ये महकमा है। ओके, यानी कि कोई भी ग्रांट आती है तो वो आपकी जो कमेटी है वापस में डिसाइड करती है कि हमें यहाँ जो है इस पैसे को लगाना है, और उसकी देख रेख जो है वो आपके जिम्मे रहती है जी। बिल्कुल 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 जी। अब जैसे कई बार कोई एमपी फंड से पैसा आता है, वो फंड में पैसा आ गया, वो पैसा हम किस जगह लगा रहे हैं, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, किस प्रकार, किस पर्पज़ के लिए लिया है, वो उसी पर्पज़ के लिए लगे वो पैसा। ओके, वो सारा एनालिसिस किया जाता है जी, और वो प्रॉपर तरीके से हम हमारी जो कार्यकारिणी है उनसे डिसाइड करके, उनसे बातचीत करके, और वो पैसा लगाया जाता है जी। जी, जो हिसार के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके लिए एक धन्यवादी संदेश आपका? धन्यवादी संदेश, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मेरे को चुना, मेरे पे विश्वास रखा, प्यार और आशीर्वाद दिया। और एक चीज़ ये भी खास मैं बताना चाहता हूँ सभी अधिवक्ताओं को कि एडवोकेट्स जो वेलफेयर फंड है जी, क्योंकि कई साथी ऐसे हमने पीछे कोविड में कैसा ऐसा बहुत सा सामना किया था कि, और मैंने तो खुद फेस किया, एक मेरे एडवोकेट्स के लिए मैं लड़ाई लड़ी, उसके लिए मैंने डोर टू डोर जाके और पैसा इकट्ठा किया उनके लिए। ओके, और क्योंकि उनकी क्या थी कि पैसों की, देखो हर एक एडवोकेट्स है, उनकी कोई वो ये नहीं है कि भाई सारे अमीर हैं, कुछ परसेंट थोड़े गरीबी होते हैं उस चीज़ को लेके, तो उस एडवोकेट वेलफेयर फंड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकूं, और कोई ऐसी महामारी या फिर कोई ऐसी अनहोनी किसी वकील साथी के साथ होती है तो उसको हम सक्षम कर सकें, एक साथ मिलकर उसका समाधान कर सकें। हाँ, उसका समाधान कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है जॉइंट सेक्रेटरी, नहीं ट्रेजरर, सॉरी ट्रेजरर खटाना जी, और दोबारा इनको जो है हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।